ये देखो वैसा कहा तेरे को, पेट बहुत बाहर आ रहा है। अरे अरे सुना नहीं, कुछ कर रहा है जी, नमस्कार। धाका न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धाका न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, सिर्फ धर्मेंद्र ठाकड़ के साथ। अभी देखिए हम आए हैं उन्हीं गलियों में, देखिए हमें जहां से आईएएस आईपीएस रोज गुजरते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा इधर स्कैम चल रहा है जी, कि दलाली का बहुत बोलबाला हो रहा है। और इतना इन लोग पैसा कमा रहा है दलाली से, कि जो यूपीएससी का स्टूडेंट है ना, तैयारी छोड़ के ही सब प्रॉपर्टी डीलिंग और दलाली में लग गया है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं कि देखिए ऑर्गाजम पीजी है, आइए मेरे साथ आइए ऑर्गाजम पीजी में। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट का किस तरह से हाल है, और स्टूडेंट से बात करेंगे बढ़ते हुए रेंट, दलाली और भी कई चीजें उनके बारे में हम बात करेंगे, जो भी यूपीएससी के छात्र हैं उनसे। आइए मेरे साथ, इधर देखिए, इधर कुछ आवाजें आ रही है, इधर आइए मेरे साथ, आइए कैमरा लेके आइए, इधर देखिए कुछ, इधर बहुत चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए भाई, इधर दलाल है, इधर दलाली साबित करके पास। डीलर थोड़ी है तुम, गार्जियन है? डीलर नहीं हो? नहीं है। किसके गार्जियन है? इस लड़के के गार्जियन है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, बस क्यों कर रहे हैं आप लोग? कमरा लिया था 7000 में। अच्छा, ये कमरा लिए थे? हाँ, ठीक। इनको कमीशन भी दिया और जमा भी किया और रेंट अलग। अच्छा, अब इनसे वापस मांग रहा हूँ तो ये वापस ना दे रहा। और डीलर हाँ जी, तो आपने क्या जो एरिया इसका मकान मालिक से बात किया? मकान वाले से, जो डीलर कह रहा हो मकान वाले कोई ना है। अच्छा, जो है सो मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट चुप रहो, एक देखिए गाइस, ये देखिए एक जो कॉमन चीजें हैं कि आप मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में जाइए, आप मकान मालिक से सामने सामने डील करके रूम ले ही नहीं सकते हैं। मकान मालिक को सालों भर यहाँ पर आता है बवासीर। आपको किसी भी तरह के कमरा चाहिए हो तो आपको डीलर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, यही यहाँ का एक नियम है, पता नहीं कौन बनाया है। तो ये बताए कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम अनिल लाड़ू है, हम यहीं का सब कारोबार देखते हैं, बड़ा काम है हमारा। डीलर ये देखिए चेहरा दिखाइए, इसका एरिया का सबसे बड़ा दल्ला है, दिखाइए यहाँ पे। तो अच्छा ये बताओ, एक महीना में आप लोग खाली करके जा रहे हैं, ये बेटा है ना आपका? तो है बेटा। ये एक बात बताओ, क्या सिलेबस देख के गांड फट गया तुम्हारा, एक महीने में क्यों जा रहे हो? नहीं सर, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पापा हैं कि ले जा रहे हैं वापस। अच्छा, काहे जी ऐसे ऐसा काहे कर रहे हैं इसको पढ़ने? जी सारा पढ़ता है ना गजू। अच्छा, और जाने बताना कौन से मास्टर को वीडियो देख के चलावा दिल्ली। अच्छा अच्छा, कौन से मास्टर का देख क्या हो जी? घोचा सर का मोटिवेशन वीडियो देखते। बताइए सर, अगर मेहनत करेंगे तो नहीं होगा रिजल्ट क्लियर? हाँ मेहनत करेगा तो हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। साले होगा इसका, तीन बार दसवीं में फेल हुआ ये और अभी तक बारहवीं नहीं कर पाया, और दिल्ली आ गए तैयारी करने। दसवीं में तीन बार, बारहवीं का रिजल्ट ही नहीं हुआ इसका? बिल्कुल नहीं हुआ इसका साला, यूपीएससी करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए ना होता रहा, मारिए साला क्या। ये देखिए मोटिवेशन लेके यहाँ पे आ जा रहा है, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं किया, इसका दलाली वापस करो जी, इसका दलाली आपका जो डिपॉजिट है वो वापस कीजिए, इसका पैसा हम दे देंगे लेकिन थोड़ा पैसा कटेगा ना, थोड़ा डिपॉजिट करना जी। कहाँ कटेगा, गाँव हमारा ही तुम्हारा की कटेगा है? तो पैसा वापस करो, लेके जाइए जाओ, इसका इसका पूरा पैसा वापस सलाह करो, सलाह डीलर यहाँ पे कने गया जी। इधर आओ, ये देखो, ये देखिए झाट बराबर जो ये कमरा है, ये देखो यहाँ पे दो गो बेड है, एक बेड के लिए आपको 7000 रुपया देना पड़ेगा, 7000 डिपॉजिट सिक्योरिटी और 7000 का दलाली, बड़ा भेंजो रंडी खाना वाला कमरा रहता है। ये देखिए इस तरह के स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं। चलो जी आगे और दिखाते हैं कि किस तरह है, इधर सब लॉक है, ये कुछ है जी, ये बाथरूम है। तो और भी चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऊपर है शायद, तो और ऊपर चल के दिखाते हैं। देखिए लौका भी है, इसी तरह से सब्जी वब्जी बना के इन लोगों का खिलाता है। तो और ये बहुत बड़ा डिमांड रहता है यूपीएससी का वीडियो के स्टूडेंट का हाल दिखाएं। ये कोची झाक रहा है जी मोगालियन है, साला पढ़ना है तो झाँक रहा है, लड़ाई देख रहा है, यही सब यही करेगा, फिर कहेगा कि रिजल्ट नहीं होता है। कोची हुलक रहा था ऊपर से, तुम लोग पढ़ना ना चाहिए। अच्छा यहाँ पे रहते हो, कोई दिक्कत वगैरह भी है? हाँ, साफ सफाई की दिक्कत है, ये देखिए पानी गिरा हुआ है, किचकिच हो रहा है सारा। अच्छा, अच्छा ये पानी गिरा हुआ, लेकिन एक बात बताओ, तुम पानी पे कहाँ ध्यान दे रहे हो, अपना रूम में बंद करके पढ़ो, किचकिच क्यों देख रहे हो यार, साला इग्नोर करके पढ़ना चाहिए। अच्छा ये क्या है, डिजाइन है क्या यहाँ पे? क्या नहीं सर, ये डिजाइन नहीं है, यहाँ आग लग गई थी। अच्छा जी सर, यहाँ पे आग लग गया तो तू है वो क्या बोलते हैं, फायर फकर है सर? फायर फकर नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर है वो है? नहीं सर। तो यहाँ पर तुम लोग का सेफ्टी उफ्टी का कोई अति नहीं है जी? नहीं रहता सर, बड़ा ही लड़छड़ चीज़ है जी, सब सेफ्टी देखना चाहिए। वो अनिल आड़ू यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है ना? नहीं, नहीं लगाया सर। अभी देखिए हम लोग चल के बोलेंगे उस अनिल आड़ू से कि दलाली का पैसा यहाँ पे लगाया, स्टूडेंट दूर दराज से आता है, सेफ्टी भी तो देखना होता है ना इन लोग का, सेफ्टी यहाँ पे बहुत जरूरी है, वो लगाएगा फायर इंस्टीट्यूशन। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे देखिए आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से कौन गाड़ू पानी गिराया है रे, पहले इसको साफ करो साला, बाप रे पूरा घोड़ा चिरक गया साला, इसको साफ करवा, साफ रहेगा तब ना पढ़े में दिमाग काम करेगा यार।
ये सब साफ करवाओ। पैसा मेरा एक रुपया गिरा था, कहाँ है? ये देखो साला, इतना बड़ा चीज़ एक रुपया गिर गया जी। एक रुपये में क्या होता है? अरे साला तुमको अच्छी पता है, एक रुपये में बहुत कुछ होता है। एक रुपये में ना तो जुप्पी पर तुम साला लूडो खेल सकते हो। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक रुपये में जुप्पी पर आप गेम स्टार्ट कर सकते हैं और लूडो खेलकर लाखों की विनिंग कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जुप्पी पर लूडो खेलना एकदम सेफ और सिक्योर है। साथ ही साथ आप यहाँ आपको GST और TDS का कैशबैक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जुप्पी पर अगर आप लूडो खेलते हैं तो जो भी आप विड्रॉल करते हैं, बड़े आसानी से आप उसे अपने UPI में विड्रॉ कर सकते हैं। तो जाकर जुप्पी डाउनलोड कीजिए। जुप्पी डाउनलोड करने के लिए jupi.com पे जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए। जुप्पी खेलो सदियों से इंडिया का अपना गेम, सिर्फ जुप्पी पर। तो आइए चलिए आगे, तुम लोग जाओ खेल लेना जी। और देखिए सब, देखिए कैमरा बंद है, साइज देखिए इसका, मतलब बाह भी नहीं आदमी फैला सकता है। ये साइज है इस कॉरिडोर का, इस तरह के हालत में रहता है UPSC का स्टूडेंट साला। ये देखिए कमरा नंबर 104 है जी। ये देखो तेरे को पेट बहुत बाहर आ रहा है। अरे अरे कुछ कर रहा है जी, हाँ यहाँ पे साला आदमी पढ़े के लिए भेज रहा है कि तुम दारू पीने के लिए यहाँ पे भेजता है माँ बाप? ये देखिए यहाँ पे दारू यहाँ पे चल रहा है, उड़ा उड़ा साला। इन लोग को पता नहीं साला कि मतलब दारू आजकल जानलेवा ही नहीं, गाण लेवा भी हो रहा है। दारू सब बचो साला सब दारू पीने से। तुम लोग यहाँ पे एस्पिरेंट ना जी, कहाँ पी रहा है दारू है? एग्जाम और इंटरव्यू हो गया सर। एग्जाम और इंटरव्यू हो गया है सर। हो गया है, अच्छा गया, अच्छा है, गया सर। तो सेलिब्रेट करने बैठ गया सर। अच्छा, तो यहाँ कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? सर 7 साल से तैयारी कर रहा था। 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा गया तो इस बार हो जाएगा मेरा। इस बार हो जाएगा। और आपका क्या सीन है? हम अभी आए सर, 3 महीने में। 3 महीने हुए इसके साथ बैठ कर दारू पी रहा साला है। जाओ उधर साला, कौन पैक बनाया रहा? कड़वा कम है, अच्छा से बना करो। ये बताओ इसी कमरे में रह के तैयारी करते हो? अच्छा अच्छा, ये देखिए कुछ किताबें इधर हैं और ये तो बड़ा कम किताब है बहन चोदी, सब कौची तैयारी कर रहा है जी। अच्छा यहाँ देखिए कोचिंग के नोट्स हैं, ये है नज़र द IAS मेकर नंबर 1 इंस्टीट्यूट, यह किलर IAS ओल्ड राजेंद्र नगर का नंबर 1 कोचिंग है। ये देखिए EV नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, दिखाइए EV नंबर 1 है। तो बहन जो नंबर 2 है कहाँ सर, तो नंबर 1 है, यही यहाँ का चक्कर है। आओ गोची रखे हो जी, जॉनी सिंस का फोटो रखा है, ये क्या है? ये मेरा रूममेट है सर। अच्छा, अभी लाइब्रेरी गया पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी कितना साल से तैयारी कर रहा है सर? ये 12 साल तैयारी कर रहा है। इसको तैयारी कर दो, 12 साल हो गया। अरे यार रखो, देखिए ये गाइस यही है चीज़, UPSC तैयारी का यही है हाल। रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए हो जाते हैं सालों साल, न बचते हैं झाठ न बचते हैं सर के बाल। मतलब कि क्यों ऐसा करना है, क्यों तैयारी करना ही क्यों है? ऐसा नहीं ना कि मतलब UPSC होगा, IAS बनेंगे तबे होगा। इधर आओ, तो तुम 7 साल गुजारा, इस बार नहीं होगा चले जाना। और आप लोग को भी कह रहे हैं 2 साल में होता होता नहीं होता है तो चले जाइए, क्या वो चीज़ है जो आप कर सकते हैं? यू कैन बिकम एनीथिंग, हैं, यू कैन बिकम अ पोर्न स्टार। जरूरी थोड़े क्या ये से बन के सेवा करे। तो देखिए यही इनका सीन है। ए कहाँ जा रहे हैं जी? ए इधर आओ, इधर 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 आओ, कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हैं। अभी तुम दारू ना पी रहा था जी यहाँ पे? गोचा सर कहते हैं कि कभी कभी दारू पी के आ सकते हो, राजा कभी कभी नशा कर सकता है। कौन मास्टर है जी दारू पीना सिखा रहा है? गोचा सर के कोचिंग में एडमिशन लिए हैं आप? हाँ। कितना फीस दिए हैं? 3 लाख। 3 लाख में यार तुम एगो पान बीड़ी गुटखा का यार घुमटी खोल के पैसा कमा लेता, राजा बनने आ गया यहाँ। जाओ, कौन सा लड़ चैट मास्टर है जी जे? इधर आइए, एक और स्टूडेंट है यहाँ पे। हेलो, तुम रसियन उसी नहीं ना रखा है जी? पिछली बार रसियन निकाल दिया था, रसियन रखा है मतलब? अच्छा अच्छा, नहीं जानता है, शरीफ लड़का है। तो आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी? सर 3 साल से हम तो। 3 साल से। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है क्या कैसा गया? सर अभी इंटरव्यू तो दे के आए हैं। अच्छा, हो जाएगा। इंटरव्यू अब दे दिए, हो जाएगा लग रहा है ना। तो दोस्त आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर किसान है पिताजी, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो पढ़ाई करते कुछ उल्टा पुल्टा काम, दारूबाजी सब लड़कीबाजी भी करते हैं क्या आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पिताजी खेत बेच कर पैसा देते हैं हमें, और इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम नौकरी पर लग जाएंगे तो उनका जीवन संवार देंगे। अच्छा अच्छा, तो देखिए खेत बेच के पैसा देते हैं तो इनका ध्यान है कि ये अच्छा कर पाएँ। तो ये बताइए कि अगर आप बन जाते हैं ये तो आप क्या करिएगा? सर सबसे पहले तो जहाँ मेरा सिलेक्शन होगा ना उस जगह के लिए अच्छा काम करेंगे। okay. और ये जो मेरी कर्म भूमि है ना,
यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा ना, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा जरूर सर। यहाँ के स्टूडेंट के लिए काम करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। खेत बेच के पैसा मिल रहा है इनको, अच्छा तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो खेत बेच के पैसा के अभी रंडेबाजी कर दिए जी। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका मतलब अगर आपका जो भी रिजल्ट है अगर होता है तो पहला इंटरव्यू आपको ढाका न्यूज़ पे ही देना है। एकदम सर, ठीक है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए यही यहाँ की कहानी है, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपना टाइम काट रहे हैं, और डीलरों को किराया और रेंट ही भरने में लग जा रहा है। और घोचा सर कौन है जी कि जो उल्टा पुल्टा मोटिवेशन देके स्टूडेंट को बुला भी ले रहा है और उल्टा पुल्टा काम भी करवा रहा है, कोई के दारू पी रहा के राजा बनवा रहा। तो घोचा सर के भी कोचिंग में चल के हम देखेंगे कि किस तरह से राजा बनाता है। और अभी कोचिंग भैंसे तो कहाँ से आ गए सला सला, छोटा सा जगह में भाई जो दे पीजी पूरा बना के रख ले है सला, कहा आदमी पढ़ेगा दिमाग काम करेगा। तो चलिए हम चलते हैं कोचिंग में, देखते हैं कि क्या होता है, घोचा सर से भी चल के मिलते हैं। देखते रहिए ढाका न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि हम यहाँ पे आ गए हैं, यही नज़र है इंस्टीट्यूट है कोचिंग, जहाँ पे जो घोचा सर जो यहीं पे पढ़ाते हैं। और देखिए जी, दलालों के चक्कर में फंसने के बाद आदमी दूसरा चक्कर यहीं पे फंसता है और सालों साल गुजारता है। पता है क्या है, मतलब कोचिंग में कोर्स ख़त्म किया उसके बाद भी यहीं रहता है। इसका रीज़न यही होता है कि जैसे घर जाता है ना जी, तो एक मादर चोट चाचा होता है, जब पूछता है कहा बाबू आईएएस बन गए, तो बड़ा बेइज्जती महसूस होता है। उसी चक्कर में आदमी अपना जवानी जला दे रहा है मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में। आइए यहाँ पे बेसमेंट में है जी, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है बेसमेंट की। तो ये आइए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लिया करो जी चैनल, बड़ा तुम लोगों के लिए मेहनत करते हैं यार पसीना में गर्मी। यही देखिए ये कोचिंग है ऑफिस, यही कोचिंग है, घोचा सर यहीं पढ़ाते हैं। सर अभी बिजी है, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको एडमिशन लेने है क्या? नहीं एडमिशन अब खा लेंगे हम, उम्र निकल गया। तो यही मतलब कोचिंग उनका यही ना है? हाँ जी। तो अंदर क्लास चल रही है जी? क्लास चल रही है। अच्छा तो अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्लास चला अंदर। बस दो मिनट हम लोग बीबीसी से हैं, दो मिनट के लिए हम लोग आइए देखते हैं। यही कहे को दरवाजा रखा है आपका, एक भी एग्जाम नहीं निकला है। जंग है यूपी, जितनी है जंग यूपीएससी, और आपका पूरा फोकस चिल्ड बियर की तरफ है। और जिस दिन आप ये करना समझ गए साहब, समझ ही आया कि आप राजा बन गए। ये मर्द का बकचोदी पहन रहे हैं जी, चिल्ड बियर पीना सिखा रहे हैं आप। आप कौन है जी? हम लोग रिपोर्टर हैं, हम बीबीसी न्यूज़ से हैं, बिग ब्लैक कॉक न्यूज़ से। तो एक बात बताइए कि आप इस एरिया का बहुत फेमस टीचर है, बहुत नाम है आपका, रील वील आपका चलता है, तो क्या बच्चों को आप सिखा रहे हैं कि मतलब आईएएस बनो, चिल्ड बियर, राजा, बियर पीना सिखाते हैं बच्चों को? देखिए ये सब हम लोग बस मोटिवेशन के लिए बोलते हैं। अब मोटिवेशन देंगे नहीं तो बच्चे आएंगे नहीं, बच्चे आएंगे नहीं तो बच्चे टिकेंगे भी नहीं साहब। हाँ बच्चे आएंगे नहीं फिर 3 लाख फीस भी नहीं भरेंगे, इसीलिए देखिए इनका मोटिवेशन रील बनाते हैं ताकि बच्चे आएँ दूर दराज के एरिया से, जिसके कारण में दम भी नहीं है, वो भी आए कि आईएएस हम बन जाएंगे हैं, अभी मोटिवेशन दे। तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक बच्चा यूपीएससी का तैयारी करे, करियर और भी विकल्प तो है सर। ज़रूरी है, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को यूपीएससी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भी यूपीएससी करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ तजुर्बा लेगा साहब। अच्छा, और यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं हमारे फैमिली है, हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं साहब। अच्छा अच्छा, जितने भी क्या? सर बाहर एक लड़का सीढ़ी से गिर गया है। हम क्या करें? बंद करो, सीढ़ी से गिर गया जी, सुन जाके बोलो उसको विकलांग कोटा बनवा ले, रिजल्ट में कुछ ना कुछ उसका हो ही जाएगा। जाओ विकलांग कोटा में रिजल्ट, यही फैमिली है महाराज, लड़का आ रहा है तो आप भगा रहे हैं जी। तो एक बात आप बताइए सर जी कि जैसे कि अब जो लड़का यहाँ पे आया तैयारी करने, ठीक है आपका कोचिंग में फीस दिया, 3-4 साल में उसका नहीं हुआ, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ रहे, मतलब 3-4 साल करे तैयारी, नहीं हो रहा घर चला जाए, है ना, जाना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। एकदम जरूरी है यहीं रहे, यहीं रहना और लगा रहे, क्योंकि हमारा रिविजन बैच स्टार्ट होने वाला है साहब, और हम कहेंगे कि सारे बच्चे उसको ज्वाइन करें, 4 दिन बाद रिजल्ट है। और हाँ उसके साथ ही बेसमेंट में लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री है साहब। अरे महाराज अब बात को समझे नहीं, देखिए जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे 3-4 साल में यहाँ पे बच्चा रहता है, ठीक है, उसके बाद घर जाता है तो बड़ा रिश्तेदार इसे बेइज्जती करता है, कहा कि सबका रिजल्ट तो होगा नहीं, पूछता है कि हुआ बेचारा तुम्हारा, हुआ बेटा तुम्हारा, इसमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है स्टूडेंट को। तो इस चक्कर में इस एरिया को छोड़ के घर नहीं जा पाता, पूरा जवानी साला इधर नेहरू विहार मुखर्जी नगर ओल्ड राजेंद्र नगर करते हुए पूरा जवानी उन लोग का जल जाता है, ना गोल मिलता है ना होल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो उन लोग को मतलब ये तो बात है ना कि नहीं हो तो घर चले जाओ यार, 3-4 साल में कोई और चीज़ से देखो, और भी चीज़ें कर सकते हो। देखिए मैं हर एक बच्चे से कहना चाहूँगा कि वो बेझिझक होकर घर जाए, खाली पॉकेट में एक कट्टा रखें, और कोई भी रिश्तेदार अगर आपके रिजल्ट के बारे में पूछे तो तुरंत पोजीशन ले लीजिए और हवा में 3 राउंड फायरिंग मारिए, धड़ धड़ धड़, मतलब एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। और जिस दिन आप ये करना सीख गए साहब,
मैं बता रहा हूं, उस दिन आप राजा बन जाएंगे साहब। और सोचिए आपकी पर्सनालिटी क्या रही होगी साहब। ये देखिए, एक बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर आप गांव दूर दराज से आते हैं, यहाँ 3-4 लाख फीस देते हैं और मास्टर जो है पढ़ाने की जगह बकचोदी करे, आपको उल्टी पुल्टी चीज़ें सिखाए, दारू पियो, गन निकाल लो, राजा बनो, ये सब चीज़ें सिखाए, तो आप एक काम कीजिए, जो सिखाए ना उस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। आप एक कट्टा निकालिए, ठीक है, आओ इसको नोट करिए, यही सब सिखाता है हमारे लैकन के जी। ठीक है ठीक है, रखते हैं अंदर। यही मतलब लैकन को यही सब आप सिखाते हैं, थोड़ा पढ़ाई कीजिए महाराज जी, रील बना के कटाई गन है आज, और मोटिवेशन देंगे नहीं तो बच्चा आएगा कहाँ से। हाँ, हम रोजी रोटी आप समझिए, ले जाइए आप इनको महाराज। ठीक है, हम जा रहे हैं। एक बात बता, आप आदमी ठीक हैं लेकिन व्यक्ति बहुत लड़चट है आप महाराज। इस तरह का कोचिंग देखिए खोले हैं, उल्टा पुल्टा चीज यहाँ पे देखिए, 28 लाख बच्चे पढ़ते हैं, इतना प्राउडली यहाँ पे लिख रहे हैं, रिजल्ट होता है 600-700 का, बाकी का कहाँ, बाकी का रेंट भर रहा है, दलाली भर रहा है, अलग अलग एरिया में, यही सब होता है। हम 4 दिन बाद रिजल्ट है ना, 4 दिन बाद आपके कोचिंग में आएंगे और देख रहे हैं कि कितना परसेंट लोगों का रिजल्ट हो रहा है। अगर 4-5 गो से भी अगर कम रिजल्ट हुआ ना, तो फिर यहाँ हम कट्टा निकाल के अपना पर्सनालिटी आपको दिखाएंगे हम। आप 4 दिन बाद आइएगा, ठीक है, 4 दिन बाद यहाँ पे आएंगे और वापस आके देखेंगे। अरे चल रहे हैं यार, कहाँ मारोगे आप, चलो उधर साइड में। 4 दिन बाद यहाँ पे आके हम वापस देखेंगे कि इनके कोचिंग से रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ है, और आपको दिखाएंगे। अभी तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धाकर न्यूज़। अरे बड़े कुछ भी होता है यार, ये पीछे रखते हैं तो ठीक है। चालू है जी कैमरा। हाँ तो देखिए, हम लोग जा रहे थे अभी घोचा सर के पास कि देखने की रिजल्ट वाले दिन क्या है, तो अभी रास्ते में और गाजम पीजी आ गया जिसमें हम लोग आए थे पहले। तो आइए देखिए, यहाँ पे भी जो स्टूडेंट था 2-3 को बोल रहा था कि अच्छा हुआ है, तो उन लोग का देखते हैं जी, आओ हमारे साथ, तो उन लोग का देखते हैं कि किस तरह से हुआ है। देखिए यही मैंने दारूया पी रहा था जी, आइए देखते हैं किसका क्या हुआ जी। देखिए बड़ा खुश नज़र आ रहा है। हेलो, क्या रिजल्ट हो गया क्या आपका? नहीं सर, रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं हुआ तो मौका लिए हंस कह रहे हो जी, हैं? अब कोची करोगे सर? फिर से तैयारी करेंगे सर। फिर से करेगा, यही करता रहेगा सर? सर ने कहा है, क्यों डरे जिंदगी से, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। हाँ, गाड़ में डाल लेना, तजुर्बा होगा। ये देखिए, इन लोग का यही चलता रहता है, साला सालम साल बैठ के हंस रहा है मौगा जी सा। इधर भी एगो स्टूडेंट था, कहाँ गया जी? स्टूडेंट है ही नहीं, कहाँ गया? हे हेलो भाई साहब, ये वो स्टूडेंट था ना जी, कहाँ गया? इसमें जो लड़का था वो, उसका तो डेथ हो गया। डेथ हो गया कैसे? हाँ, वो पानी बरसा था तो बिजली का तार पता नहीं कहाँ से गेट में चिपका था और गेट ये पकड़ लिया।